अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ लूसी। हमारा जो लास्ट हमारा है इसमें PHP MySQL का टॉपिक वो है डेटा को अगर हम डिलीट करना चाह रहे हैं। पहले हमने देखा था कि डेटा इंसर्ट करना है, उसको बाद में हमने सेलेक्ट करवाया, उसको अपडेट करवाया, लेकिन अगर हम डेटा डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसको हम कैसे कर सकते हैं PHP स्क्रिप्ट के थ्रू। तो इसके लिए भी सिंपल प्रोसीजर यही है कि हम अपने कनेक्शन वाला कोड हमारा सेम है, हमने जो क्यूरी लिखनी है वो ये है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। टेबल मेरे पास क्या है, एम्प्लॉय वेयर। यहाँ पर वेयर क्लॉज यूज़ करना ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पर वेयर के बाद उसकी आईडी नहीं बताएंगे तो जो मेरे पास टेबल में जितना भी डेटा होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने बताया वेयर आईडी इज़ इक्वल्स टू 1 कि एम्प्लॉय टेबल में जिस डेटा की आईडी 1 है उसको डिलीट कर दो। उसके बाद इफ कंडीशन यूज़ की है MySQli क्यूरीज में पास की है, और इसमें 2 पैरामीटर्स दिए हैं, कनेक्शन का और SQL वेरिएबल जो मेरे पास जो मैंने क्यूरी लिखी थी इसका रिज़ल्ट, कि जो अगर इन दोनों का रिज़ल्ट जो है वो ट्रू हो जाता है तो फिर रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली मैसेज शो हो जाएगा, एल्स जो है वो एरर जो है वो शो हो जाएगा और कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। तो इसको जो है चेक करते हैं। तो मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो गया है सक्सेसफुली। अब हम अपना जो है टेबल में चेक करते हैं कि टेबल में भी ये जो डेटा है वो डिलीट हुआ है या नहीं। तो अपनी जो डेटाबेस है इसको सेलेक्ट करेंगे। और एम्प्लॉय के टेबल को सिलेक्ट करेंगे। तो मेरे पास जो है वो जो रिकॉर्ड था वो डिलीट हो चुका है जो मैंने पहले इंसर्ट किया था। तो इस तरह हम डिलीट की कमांड को यूज़ करते हुए अपना जो डेटा है वो डिलीट कर सकते हैं PHP स्क्रिप्ट के थ्रू।